एक ऐसी शक्ति जिसमें अंत, आरंभ, राग, वैराग्य, ब्रह्मांड, समय, मृत्यु, मोक्ष, ये सब कुछ समाहित है, जिसे हम कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र। इस महामृत्युंजय मंत्र में ऐसी ऐसी प्रभावशाली शक्तियां छुपी हैं, जिसका उच्चारण करके आप अपने जीवन के सारे दुख दर्द, यहाँ तक कि अपनी अकाल मृत्यु को भी टाल सकते हो। लेकिन अगर इस मंत्र का गलत तरीके से जाप किया जाए तो आपको इसका एक बहुत खतरनाक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति, इस मंत्र की साधना और इस मंत्र के परिणाम, ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महामृत्युंजय मंत्र के बारे में इतने डीप में कोई नहीं बताया होगा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। महामृत्युंजय मंत्र को तीन नामों से जाना जाता है, रुद्र मंत्र, त्र्यंबकम मंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में मिलता है। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर, जो कि 33 कोटि देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें 8 वसु, आप, ध्रुव, सोम, धरा, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास, 11 रुद्र, शंभु, पिनाकी, गिरीश, अस्थाणु, भर्ग, शिव, हर, सर्व, कपाली, भाव, सदाशिव, 12 आदित्य, विश्वान, आर्यमान, त्वष्टा, सावित्र, भग, धाता, मित्र, वरुण, अंश, भूषा, इंद्र, वामन, एक प्रजापति और एक षटकार थे, जिनकी सारी शक्तियां महामृत्युंजय मंत्र में समाहित हैं, जिससे इस मंत्र का उच्चारण करने वाले व्यक्ति की आयु लंबी और उनके जीवन के सारे दुख, दरिद्रता व उसकी अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है। अब ये तो बात हो गई इस मंत्र से होने वाले लाभ की। अब बात करते हैं इस रहस्यमय मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, इस मंत्र का अर्थ क्या होता है और इस मंत्र के कितने रूप हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अनुसार इस मंत्र की रचना मृकंड ऋषि के पुत्र ऋषि मार्कंडेय ने अपने अल्पायु से बचने के लिए इस मंत्र की रचना की थी, और इसी मंत्र से भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने ऋषि मार्कंडेय के अल्पायु में मृत्यु को टाल दिया था। अब बात करते हैं इस अद्भुत मंत्र का अर्थ क्या होता है। त्र्यंबकम यानी तीनों कालों में एक जैसा रहने वाला, चाहे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हो, और वो हमारे महादेव ही हो सकते हैं। यजामहे अर्थात जिनको हम हृदय से पूजते हैं और उनका सम्मान करते हैं। सुगंधिम जो कि एक मीठी सुगंध के समान है और हमें भी शुद्ध और सुगंधित करता है। पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम का अर्थ है जो हमारी आत्मा बुद्धि बल को बढ़ाता है। उर्वा रुक्मेव बंधनान, जिस तरह से ककड़ी अपनी पूर्ण आयु होने पर पककर अपनी लता से अलग हो जाती है और अमृतुल हो जाता है। मृत्युर्मोक्षीय मामृतात् अर्थात मुझे भी आप पूर्ण आयु देकर मृत्यु से इस शरीर को अलग कीजिए और मोक्ष की प्राप्त करवाइए। अब आपको यह भी जानना जरूरी है कि महामृत्युंजय मंत्र के कितने रूप हैं। वैसे तो इस मंत्र के अनेकों रूप हैं, जिसे एक एक करके बताने से वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वीडियो को पॉज करके इस मंत्र के मुख्य रूप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सब कुछ तो हो गया, अब इस मंत्र से होने वाले नकारात्मक परिणामों को भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर देखना चाहिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल के अनुसार 12 सितंबर 2019 को महामृत्युंजय जाप करने से इसका क्या असर होता है, इस पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने एक स्टडी किया। इस रिसर्च में हेड इंजरी वाले मरीजों को महामृत्युंजय मंत्र सुनाने मात्र से ही उनके अंदर बहुत अधिक सुधार देखने को मिला, जिसे इस वीडियो में देखकर आप और अच्छे से समझ पाओगे। महामृत्युंजय जाप के मरीजों पर होने वाले असर की जांच कर रहे हैं। जिन लोगों पर यह रिसर्च किया जा रहा है वो सभी ब्रेन इंजरी यानी मस्तिष्क की चोट के मरीज हैं। जिन मरीजों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया उनमें से कई मरीज कोमा में थे। हालांकि इस रिसर्च का तरीका थोड़ा अलग है, इसे समझाने के लिए हम आपको अस्पताल की कुछ तस्वीरें आज दिखाएंगे। ये उन मरीजों की तस्वीरें हैं जिन पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रिसर्च की जा रही है। इसके बाद वहां के पंडितों ने मरीजों को उनके परिवार वालों की मौजूदगी में महामृत्युंजय मंत्र का संकल्प करवाया। डॉक्टरों और मंत्रोच्चार करने वाले आचार्यों का कहना है कि मंत्रों की शक्ति से 20 में से 18 मरीजों को बचा लिया गया। लेकिन अगर आप इस मंत्र का सही से उच्चारण नहीं करते तो आपको इस मंत्र का जाप करने का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप इस मंत्र का उच्चारण कुछ इस तरह करते हो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मेव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। अगर कुछ इस तरह से उच्चारण करोगे तो इससे आपको इस मंत्र का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, जो कि एक गलत तरीका है इस मंत्र के उच्चारण करने का। अब बात करते हैं सही तरीके की। हिंदू ग्रंथों तथा एस्ट्रोलॉजर्स के अनुसार अगर आप महामृत्युंजय मंत्र के जाप करने की सावधानियां और इसके नियम का पालन करते हैं तो आपको इसका अधिक प्रभावशाली लाभ मिलेगा। इस मंत्र का प्रयोग सामान्य स्थितियों में और विशेष रूप से भी किया जाता है। इस मंत्र का उच्चारण शिवलिंग के सामने या फिर भोलेनाथ के चित्र के सामने बैठकर रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करने से अधिक लाभ मिलता है। अब बात करते हैं इस मंत्र का उच्चारण कैसे है, ध्यान से सुनना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कुछ इस तरह से करते हो तो आपके पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन होता है और आपको इस वाइब्रेशन से बहुत अधिक फायदे मिलते हैं। जैसे इस मंत्र का लगातार उच्चारण करने से आपके मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन होता है और आपका मूलाधार चक्र जागृत होने लगता है। आपके माइंड में निगेटिव थॉट्स नहीं आते, आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होता है, आपको अनेकों बीमारियों से मुक्ति मिलती है और ऐसे अनेकों फायदे हैं, और ऐसे परिणाम सिर्फ आपको महामृत्युंजय मंत्र से ही प्राप्त हो सकता है। तो देखो, मैंने इस वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कुछ जानकारियां दी हैं और मैं ऐसी वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि आप अपने धर्म ग्रंथों और अपने संस्कृत को जान सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।